अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दाश कफार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैर खैरियत से हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो फाइनली अब हम पहुँच आए हैं जी अपने मुरब्बे। मक्की भी हमारी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब हम इसको दूसरी दफ़ा दानेदार डाल रहे हैं और अब थोड़ी सी मुश्किल भी होगी, क्योंकि ये जो हमारा कद है उससे भी बढ़ चुकी है। ये देखें जी, तो पहले चलते हैं, जाते हैं जी अपने बैनी या डेरा कह ले उस पर, वहाँ से बर्तन वगैरह उठा कर ले आएंगे जिसमें दानेदार डालनी है, तो फिर इसको डालेंगे जी दानेदार। तो चलो चलते हैं पैनी की तरफ। ये देखें जी, मामू काट रहा है चारा। मामू भी आज जल्दी चारा काट रहा है क्योंकि उन्हें पता था कि आज दानेदार डालनी है मक्की को। ये देखें जी, मामू के जानवर खड़े हैं, अब इनको भी छांव पर बांधेंगे। और ये मामू का डॉगी कहीं काट के नहीं है। शतूत पर माशाल्लाह से शतूतियाँ भी लग गई हैं, लेकिन हम इसे चेक नहीं कर सकते क्योंकि हमें रोज़ा है। मामू ने सरसों की निकाल ली थी और बाकी लकड़ी वगैरह अभी तक इधर ही पड़ी हैं। एक इधर है और साथ वाला जोड़ा उधर देखें जी चिल कर रहा है। देखें जी, तो अब मैं इसको खोलते हैं। अब हम इसको जी खोलते हाथों से तो वैसे ही जाते साफ। अब इससे निकालते हैं इसके ये देखेंगे दानेदार अपने हमने निकाल लिया। और अब हम डालते हैं जी मक्की को। अब मैं डालता हूँ जी मक्की को। एक मिनट, थोड़ी सी मुश्किल तो है। इसको इस तरीके से डालते हैं। इसको मक्की का गाचा कहते हैं। अगर इसके गाचे में ना जाए तो इसकी मुकम्मल तौर पर नशोनुमा नहीं होती और इसके पौधे को मुकम्मल खुराक नहीं मिलती। ये देखें जी, कपास में अभी तक भी पानी खड़ा हुआ है। इन नेलों में पानी सूख चुका है मुकम्मल तौर पर, इन में अभी तक बाकी खड़ा हुआ है। माशाल्लाह से हमारे प्याज और मिर्चें काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं और कुछ पौधे अभी छोटे हैं। ये देखें जी, और प्याज और मिर्चों के अलावा हमने इनमें लगाए हुए थे भिंडियों के पौधे, वो भी माशाल्लाह से काफ़ी बढ़ चुके हैं। ये आगे तकरीबन सारे भिंडियों के पौधे लगाए हुए हैं क्योंकि सब्ज़ी बहुत महंगी है, हम खुद भी खाएंगे और इसको फरोख्त भी करेंगे।
माशाल्लाह से नीचे जो हमने सब्जी कपास में लगाई हुई थी वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और अब कपास में गंद भी हो रहा है और इसे हमें अब साफ़ करना होगा। चारा वगैरह इसमें हो रहा है और अब हमें इसकी सफाई करनी होगी। अगर हम इसकी सफाई नहीं करेंगे तो ये कपास के पौधों के ऊपर चढ़ जाएगा और पौधे नशोनुमा नहीं पा सकेंगे। अब हम इसकी करेंगे जी गोड्डी, और गोड्डी करने के बाद इसकी सफाई मुकम्मल तौर पर सफाई हो जाएगी और ये इसका पौधा बहुत अच्छे तरीके से नशोनुमा पाएगा। माशाल्लाह से हमने मक्की को हाफ़ एकड़ दानेदार डाल दी है और बाकी हाफ़ एकड़ रहती है। दिन के 11 बज चुके हैं और गर्मी अपने पुरजोर तरीके से पड़ रही है, और गर्मी में रोज़े के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। माशाल्लाह से ये हिस्सा हमने डाल दिया और अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और उसको भी डालते हैं दानेदार। आज वर्त ये देखिए गंदम हमारी मुकम्मल तौर पर पक चुकी है और अब हम इसे 2-3 दिन ठहर कर हाथ लगाएंगे। ये देखिए जी ये चेक करें दाना जो पक चुका है मुकम्मल तौर पर कि एक बार चुके हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अभी थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया था दानेदार डालने वाला, लेकिन मैंने कहा मामों से कि मामों मुझे अब थोड़ी सी दरिया की सैर करने दें और व्यूअर के साथ अपनी फसलों को शेयर करने दें। तो मामों ने कहा ठीक है मैं दानेदार डाल देता हूँ। आज रोज़ा तो गर्मी आज बहुत ही ज़्यादा, पहले तो मौसम बहुत ही ठंडा बना हुआ था लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी पड़ने की वजह से 2-3 दिन में देखें गंदम तैयार हो गई है माशाल्लाह से। हम पहुँचाए हैं जी दरिया पर, माशाल्लाह से दरिया का व्यू बहुत ही प्यारा है। जब मैं पहली दफ़ा आया था तो पानी कम था, लेकिन अब पानी की सतह बढ़ चुकी है। उधर भैंसें नहा रही हैं जी पानी में। और दरिया ने ज़मीन को काटना भी शुरू किया हुआ है। जैसे ही पानी की सतह कम होती है, अगर ज़्यादा पानी हो कम हो तो फिर भी ये ज़मीन को गिराता है, और अगर कम हो तो ज़्यादा होते वक्त भी ये ज़मीन को गिराता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।